दोस्तों गैलेक्सी क्या होती है और गैलेक्सी कैसी दिखती है, और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी क्यों कहा जाता है, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारी गैलेक्सी का मिल्की वे नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में कई कहानियां हैं। इनमें से एक पुरानी यूनानियों के पास वापस जाते हैं, जिन्होंने सोचा था कि आकाश में प्रकाश बैंड गिरा हुआ दूध जैसा दिखता है। एक ग्रीक किंवदंती के अनुसार देवी हेरा युवा हेरक्लिस को दूध पिला रही थी। जब उसे पता चला कि उसका बेटा नहीं है तो उसने उसे खींच लिया और उसके बाद उनके स्तनों से दूध सितारों के बीच बहने लगा। यूनानियों के प्रकाश बैंड को आकाशगंगा कहा, क्योंकि ग्रीक में गाला शब्द का अर्थ दूध है। इसने मिल्की वे शब्द को जन्म दिया। हमारी घरेलू आकाशगंगा एक सर्पिल आकाशगंगा है, जो कि पृथ्वी इस आकाशगंगा का हिस्सा है, इसलिए हम ऊपर से सर्पिल को नहीं देखते हैं। लेकिन सर्पिल भुजा के सूर्य सहित अरबों सितारों के एक सफेद बैंड के रूप में दिखाई देता है या देख सकते हैं। गैलेक्सी स्टार्स के साथ साथ धूल और गैस के बादलों का एक संग्रह है। यद्यपि ये सभी कई प्रकाश वर्ष दूर है, फिर भी ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं। आकाशगंगा एक प्रकार का स्टार सिस्टम है। हमारी घरेलू आकाशगंगा मिल्की वे का व्यास लगभग 120,000 प्रकाश वर्ष है। इसमें कई सौ अरब तारे और अरबों ऐसी आकाशगंगाएं हैं। ये अक्सर समूह में होती है, जिसे आकाशगंगा समूह कहा जाता है। जिस समूह में मिल्की वे संबंधित है उसे तारे समूह कहा जाता है। गैलेक्सी कैसी दिखाई देती है, इस सवाल का जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।